हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक इनटू द अनदर वीडियो ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। और ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो भी होने वाली है टाउन हॉल 15 की अपग्रेड गाइड। मेरा जस्ट कुछ टाइम पहले हो चुका है टाउन हॉल 15 अपग्रेड और मेरे पास बहुत सारा सामान है अपग्रेड करने के लिए। लिटरली मेरे सारे हीरोज मैक्स थे लेकिन अब कोई फायदा नहीं है उनका। सबसे पहले बिल्डर खाली है और जितने भी ये हीरोज थे इनके ऊपर मेरे को मिल चुका है 5-5 लेवल का भाई बूस्ट मिल चुका है, तो वो भी सब करेंगे। इतना मतलब मेरे को लिटरली बूस्ट मिला है ना। सबसे पहली चीज जो मेरे को करनी है, देखो मैं बता देता हूँ मेरे पास अभी क्या क्या है मैजिक आइटम्स में। अगर हम देखें, मेरे पास एक बुक ऑफ हीरोज है, मेरे पास बुक ऑफ एवरीथिंग है, मेरे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है, मेरे पास बुक ऑफ स्पेल है, मेरे पास एक एलिक्सियर का रून है, मेरे पास एक डार्क एलिक्सियर का रून है, और मेरे पास है यहाँ पर एक हैमर ऑफ बिल्डिंग भी। और लिटरली यार मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। ओके, तो इतने सारे जितने भी मेरे पास से सामान है इनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर आके, भाई टाउन हॉल 15 हो चुका है तो सबसे पहले लैब को अपग्रेड करना जरूरी है। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर अपनी बुक ऑफ बिल्डिंग, या यहाँ पे बुक ऑफ हैमर यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपनी यहाँ पे लैब अपग्रेड करते हैं बुक ऑफ बिल्डिंग से। तो मैंने लगा दी है लैब और बुक ऑफ बिल्डिंग से मैंने लैब कर दी है अपग्रेड। चलो अब मेरे को सारे जो लेवल मैक्स के मिलने वाले हैं कुछ दिन तक, एटलीस्ट 4-5 दिन तक मिलते हैं, सारे ट्रूप्स मेरे को मैक्स लेवल के मिलेंगे। और यहाँ पे अब बैरक्स, तो भाई कोई न्यू ट्रूप टाउन हॉल 15 पे अनलॉक होता नहीं है, तो हमारे पास एक बुक खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारा सामान है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना सीसी को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्लैन कासल को। उसके लिए मैं यूज करूँ क्योंकि यार क्लैन कासल पे अच्छी खासी यहाँ पर देख रहे हो 5 की ट्रूप कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसे मैं अपनी बैटल ब्लिम्प वाली स्ट्रेटेजी में बहुत यूज करने वाला हूँ। तो करते हैं इसको भी हैमर ऑफ बिल्डिंग से 1, 2, 3, और ये 20 दिन का टाइम बचा रहा है मेरा, तो कर देते यार। सीसी भी यहाँ पे मैक्स हो चुकी है मेरी, क्लैन कैसल भी बहुत जल्दी मैंने मैक्स कर लिया है। चलो भाई ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बुक ऑफ स्पेल तो अभी यूज नहीं कर पाएंगे, बुक ऑफ एवरीथिंग है मेरे पास, और यहाँ पर शायद से मेरे को यूज करनी चाहिए डार्क एलिक्सिर के स्टोरेज के ऊपर या फिर बुक ऑफ एवरीथिंग में। कहाँ यूज करूँ देखते, शॉप के अंदर कोई नई चीज अगर आई हो तो। डिफेंस के अंदर आए यहाँ पे मोनोलिथ और स्पेल टावर, या फिर अपने पास यहाँ पर तो हमारे पास एक और हैमर ऑफ बिल्डिंग हम यहाँ से ले सकते हैं, तो खरीद लेते हैं यार। एक हैमर ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे मैंने खरीद लिया है, जिससे शायद मैं यहाँ पर मोनोलिथ हैमर ऑफ बिल्डिंग से नहीं खरीद सकता जहां तक मेरे को पता है। हाँ, हम सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं, हम खरीद कुछ नहीं सकते। तो अपग्रेड करने वाली चीज है कौन सी यहाँ पे, क्या अपग्रेड करना चाहिए मेरे को, अपनी ईगल आर्टरी। भाई ये लिटरली 20 दिन ले रही है, तो शायद से मेरे को ईगल आर्टरी को अपग्रेड कर देना चाहिए। ओके, तो हम ऐसा ही करते हैं, हम अपनी ईगल आर्टलरी को अपग्रेड कर देते हैं यहाँ से हैमर ऑफ बिल्डिंग से 1, 2 एंड 3। भाई ओके नहीं हुआ, लो ये भी अपग्रेड कर दिया, मतलब 2-2 हैमर ऑफ बिल्डिंग यहाँ खर्च कर दिए, एक बुक खर्च कर दी। अभी भी मेरे पास बहुत सामान है खर्च करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से आते हैं और शायद से मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़ जाएगा अपना र्यून। और र्यून से मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, पेट हाउस अपग्रेड होगा र्यून से, या फिर वर्कशॉप। अच्छा नहीं, हमें एक और चीज मिल सकती है यहाँ पे, या फिर डार्क एलिक्सिर स्टोरेज में। डार्क एलिक्सिर स्टोरेज ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि भाई अपग्रेड्स करने हैं मेरे को हीरो। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अपनी एलिक्सिर स्टोरेजेस के ऊपर और इसको कर देते हैं र्यून से फुल, और फुल करते यहाँ पर जैसे ही हम लगाएंगे। अच्छा ये तो 15 दिन ले रही है, चलो फिर भी इसी से ही कर देते हैं। यहाँ पे एक और फिनिश नाउ बुक ऑफ एवरीथिंग से इसे कर देते हैं मैक्स लेवल का, और हो चुकी है यहाँ पे मतलब 3-4 बुक्स जो मैं कम से कम 4 महीने से इकट्ठी कर रहा था उनको यूज कर लिया है मैंने यहाँ पे। और बस लास्ट चीज जो अब बच रही है वो है मेरे पास, अब इतना तो गोल्ड भी नहीं है, हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना गोल्ड स्टोरेज को मैक्स करने के लिए। और 1, 2, 3 और 12 दिन का ये टाइम ले रहा है, वर्थ ही तैयारी से लगा देते हैं। और ये होने वाली है हमारी अपग्रेड गाइड। अब 6 दिन तक मेरे को लिटरली यहाँ पे गोल्ड एलिक्सिर ये सारा यूज करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे।
बाकी चीजें देखते हैं, मेरे को शायद ध्यान देना चाहिए था क्योंकि मेरे पास अभी स्टार बोनस मिलने वाला है काफी दिन तक और उस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मतलब 5 दिन के अंदर मेरा इतना सारा गोल्ड या बर्बाद जाने वाला है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और जेम्स शायद से ओके, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है मेरा गोल्ड एलिक्सर का, लेकिन वो भाई हो जाएगा, कर लेंगे कैसे ना कैसे। और जैसे ही हम टाउन हॉल पर आए, यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी लूट भी मिलेगी, लेकिन हीरोज के लेवल 10-10 बढ़ाने हैं और यहाँ पर मेरे को पेट हाउस के अंदर भी लिटरली बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स करने हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें तो साथ में होती रहेंगी। तुम मेरे को अपने सजेशंस और जो भी तुम सोचते हो टाउन हॉल 15 के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आने वाली है आगे, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।